अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ा खाने की तैयारी शुरू हो गई है, इंशाल्लाह जैसे इनका काम कंप्लीट होता है फिर हम अपना काम करेंगे। ये सामने देखे वगैरह पड़ी हैं और जिन्होंने पकानी है वो उनके लिए नाश्ता तैयार हो रहा है, वो नाश्ता कर रहे हैं, वो नाश्ता कर लेते हैं फिर वो अपना काम शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लंगर का काम भी शुरू हो गया, लंगर की तैयारी इंशाल्लाह अपने टाइम पर हो जाएगी। चाचू जान हाजिरी बना रहे हैं, कहाँ पर भी मजलिस वगैरह हुआ अपने रिलेटिव्स में या यहाँ पे मोहल्ले में तो हाजिरी चाचू ही बनाते हैं। माशाल्लाह आलम पाक लग गए, ये वाला फ्रेरा भी चेंज हो गया। अब आ रही है अज़ा खाने की तैयारी की, नीचे से बैनर फ्लैक्स उठा के ले गए और अज़ा खाना जो है वो सजाए। नाही भी आया बेच। रास्ते पे आंखें रखी, कौन है जिसने बिल्कुल दरमियान में तुम्हारा नाक रखा, कौन है जिसने 28 और 32 दांतों के पीछे तुम्हारी जुबान रखी, कौन है जिसने होंठों का फाटक लगाया कि जुबान को बोलने से पहले कुछ सोच लेना किससे क्या कह रहे हो, कौन है जो तुम्हारे दिमाग में खाने बनाता है, कौन है जिसने तुम्हारे माथे में लकीरें रखी, कौन है जो अल्हक की सदा बनते हुए तुम्हारे दिल में छुप गया है, कौन है कि जो तुम्हारी तमाम हवाओं के तगैरात और तबदलात पे कादिर है, तुम दाने गंदम को सतह ज़मीन का सीना चीरते हुए छुपा देते हो, कौन है जो 12-14 की बालियों में निकाल के बाहर निकाल लाता है, कौन है जो रोज तुम्हारी रूह निकाल लेता है और सुबह तुम्हें जिंदगी वापस दे देता है, बंदे सवाल क्या है या यम रसूल अल्लाह, ये सारा इंतजाम तो अल्लाह ने इसलिए फरमाया है कि इंसान हिदायत पा जाए। सरकार फरमाए बंदा खुदा देखता किससे कह रहे आंखों से, क्या बोलता किससे कह रहे जुबान से, क्या चखता किससे कह रहे जुबान से, क्या सुनता किससे कह रहेगा कानों से, क्या तेरा ये सारा सिस्टम मोहताज किसका है कहेगा दिल का, कहा अगर दिल बंद हो जाए तो सांस नहीं लेता, अगर सांस ले ले तो तेरी सांसें बंद होगी कहेगा बिल्कुल। सरकार फरमाए इसका मतलब है तेरे अफाले जिस्मानी की हिदायत के लिए निजाम मरबूत किया हुआ है तेरा दिल, और अगर तेरा दिल बंद हो जाए तो तू गया, और दिल को मुतसिल किससे किया कहने का सरकार
अल्लाह ने रूह से किया है, रूह निकल गई, आंख है देख नहीं पाती, कान है सुन नहीं पाता, हाथ है अमल नहीं कर पा रहा, कदम है जुम्बिश नहीं आ रही, जुबान है न बोल रही है न चख रही है। सरकार ने फरमाया इसका मतलब है रूह निकल जाए तो निजाम इंसानी बेसूद है, इसी रूह को अम्र कहते हैं। अगर तुझ से रूह निकल जाए तू फारिग हो जाएगा, और अगर उल अम्र निकल जाए तो कायनात। जुमला कह दो है, मुझे पहले मजा आ गया। कुछ अर्श के दायरे तेजिया, कुछ शिया अर्श के बाहर रहते हैं। खुद से कहूं जबान कट जाए अभी कलाम करते हुए, सैयद भी आ गए हैं कसम भी दे दी है। मेरे छठे इमाम फरमाते हैं कुछ शिया ने अली अर्श के दाएं जानिब रहते हैं, कुछ शिया ने अली अर्श के बाएं जानिब रहते हैं। अल्लाह उनको वहां करूबीन कह के पुकारता है, कहा मौला हम कैसे पहचाने, कहा तुम क्या पहचानो, मूसा बर्दाश्त नहीं कर सका तो तूर पे जो तजल्ली थी, मौला आपको सलामत रखे। जिनकी तबीयत खराब हो गई है, किताब है नूर शक्लैन, तफसीर है कुरान की, उस तफसीर की पहली जिल्द में मौला को फरमान है कि अल्लाह ने जो को तूर पे जलवा दिखाया था वो करूबीन में से, नहीं ऐसे नारा लगाना छुट्टी है जाओ। अब आप आ गए, मुझे रुख और बदलना पड़ेगा। हाँ कोई तो मिल जाए एक ऐसा जिसे दे कुछ, सीना फट रहा है, कुएं बेचारे भर गए हैं, पानी बाहर आने लग गए हैं, किसको सुनाए। मौला ने फरमाया करूबीन में से, मास्टर साहब करूबीन में से, वो करूबीन अली के शिया नूर सदलैन है किताब। बहुत सारे लोग आजकल ऐसे हैं जिन्हें जाहिर बीमारी नहीं है, अंदरूनी बीमारी है, अंदरूनी बीमारी जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में भी किया है, उसे गुर्ज़ अली कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया मरज हूँ, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़। और अल्लाह को जाके कहो, अल्लाह कह रहा है इनके दिलों में मर्ज है और मैं बढ़ाता रहता हूँ। अल्लाह भी हिदायत नहीं देता, तू क्यों मिन्नत कर रहा है। अल्लाह भी हिदायत नहीं कर, मैं बढ़ा रहा हूँ मर्द, तू उसे टीके लगा रहे, मान ले मान ले, तू मान ले। अल्लाह कह रहा मैं बढ़ा रहा हूँ मर्ज, बढ़ा रहा हूँ मिंबर से जो बात है, एक एक बात का जिम्मेदार हूँ तफसीर कुरान में। रसूलुल्लाह से पूछा गया या रसूलुल्लाह इनके दिलों में ये मर्ज क्या है, पिछले आखिरी बंदे तक कर लो बाजू बुलंद, खोल दो पंजे, कुल्ले ईमान बेवहा मजबूर मिलके सलामत रखे। फरिश्ते आपके गवाह हो गए हैं, हो सकता है कब्र में पूछे ही ना, मौला आपको सलामत रखे। हाँ ऐसे बन के जाओ आपसे भी फरिश्ते पूछते रहे मन रब्बों का, फिर क्या फायदा है। ऐसे बन के जाओ अल्लाहुम्मा अर्ज़ुकना शिफ़ात अल हुसैन अलैहि सलाम, यौम अल वरूद ज़ियारत आशूर के जुमले हैं। मौला ने फरमाया जब दुआ करो ज़ियारत आशूर के आखिर में तो इस तरह कहा करो, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुकना शिफ़ात अल हुसैन अलैहि सलाम यौम अल वरूद, ऐ अल्लाह जन्नत कब्र में दाखिल हो तो हुसैन की शिफ़ात अता कर। छठे इमाम फरमाते हैं वो हुसैन का दरबार कब्र में जाएगा, मुनकर नकीर नहीं हुसैन हो आएगा।
छटाई मां फरमा रहे है जो हाय बुलंद करेगा तो मैं जुमला खत्म करूंगा। इसने तुम्हें पाला है, आप आज तक सुनते आए हैं, सैयदा उम्मुल मसाइब ने अली अकबर को पाला है नहीं।